हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपने देखा होगा, लास्ट में मैंने फिग्मा की पूरी एक वीडियो ऐड की थी, जिसमें मैंने फिग्मा के बारे में बताया था, फिग्मा एक्चुअल में फिग्मा होता क्या है, हम क्यों फिग्मा का हम यूज़ करते हैं, और फिग्मा के जितने भी टूल्स हैं वो मैंने डिटेल में समझाए थे। और उसमें था कि मैंने कंपोनेंट्स बताया था, प्रोटोटाइपिंग मैंने बताई थी, और हम वेब पेज में या मोबाइल ऐप्स में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार हम कैसे ऐड करते हैं। तो उस वीडियो में काफ़ी कुछ है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और उस वीडियो में कंपोनेंट थोड़ा इतना डिटेल में नहीं था जितना डिटेल में आज कंपोनेंट बताने वाला हूँ फिग्मा में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिग्मा, एक्चुअल में फिग्मा में कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देख लेते हैं कि फिग्मा में कंपोनेंट होते क्या हैं। अभी तक हम होता क्या था, सपोज हमने 5 पेजेस बनाए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हमें बटन बनाना होता तो हम हर पेज में डिफरेंट बटन बनाते थे, चाहे वो बटन सेम हो तो हमें हर बार बनाना पड़ता था, या उसकी कॉपी हमें लेके बनानी पड़ती थी तो ठीक है, उसमें होता क्या था, अगर आप क्लाइंट ने कह दिया इसका कलर चेंज कर दो तो सारे पेजेस में जाकर उसका कलर चेंज करते थे, और क्लाइंट ने कह दिया कि इसमें बॉर्डर रेडियस कुछ आप ऐड कर दीजिए, बॉर्डर रेडियस अगर हम ऐड करते थे तो सारे पेजेस में बॉर्डर रेडियस ऐड करना पड़ता था। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट बहुत ही अच्छा फीचर है, आप एक कंपोनेंट बना के रख लीजिए, उसको रीयूज़ कीजिए, अगर कुछ चेंजेस आता है खाली आपको कंपोनेंट में चेंज करना है, आपको फाइल्स में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका टाइम बचेगा। सपोज़ आपके पास 1000 पेजेस हैं और आपको बॉर्डर रेडियस सारे बटन में ऐड करना है, तो आपको सारे पेजेस में जाके बॉर्डर रेडियस ऐड करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल करना क्या है, अपने कंपोनेंट में एक सेकंड में बॉर्डर रेडियस ऐड कीजिए और 1000 जितने भी पेजेस हैं आपके सब में चेंजेस हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के कोडिंग थ्योरेटिकल पार्ट हम बंद करते हैं और अपना हम फिग्मा पे चलते हैं, देख लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है और वर्क कैसे करता है। तो मैंने किया figma.com, यहाँ से figma.com पर मैं आ गया, और यहाँ से हम लेते हैं न्यू फाइल, लेते हैं हम यहाँ से न्यू फाइल, ठीक है, ये हमारा यहाँ से हम रख लेते हैं यहाँ पे इसका टाइटल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हम एक फ्रेम लेते हैं, यहाँ पर हम जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको फ़ोन के लिए बनाना है, टैबलेट के लिए बनाना है, डेस्कटॉप के लिए बनाना है, मैकबुक के लिए बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, वॉच के लिए, पेपर के लिए बनाना है, किन चीज़ों के लिए आपको बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल मैं फ्रेम अभी मैं कुछ ले रहा हूँ, डेस्कटॉप वगैरह मैं सिंपल यहाँ पे ड्रैग करके ऐसे मैंने ड्रैग किया, एक फ्रेम मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो इसकी विड्थ और हाइट देख सकते हैं, यहाँ पे विड्थ आप सेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, सपोज 600 चाहिए अगर तो मैंने 600 कर लिया यहाँ पर, और 504 इसकी हाइट हो गई यहाँ पर। तो सबसे पहले चलिए मैं एक बटन बना के देखते हैं कंपोनेंट में बटन कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा किया, यहाँ से जाके शेप में जाके आप रेक्टेंगल यहाँ से ले सकते हैं, ये रेक्टेंगल देखिए बन गया, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे को एक टेक्स्ट ऐड करना है, मैंने कर दिया बटन, और इसका कुछ फॉन्ट साइज़ यहाँ से हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ हम 20 पिक्सल कर लेते हैं, और इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, और इससे तो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया, इससे वर्टिकली सेंटर ये आ गया, तो अभी टेक्स्ट जो है इस बटन के सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ये हमारे बन गया है एक बटन, दोनों को सिलेक्ट करना है। तो सपोज़ होता क्या, पैडिंग बटन में टॉप बॉटम की पैडिंग होती है, लेफ्ट राइट की पैडिंग होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि पैडिंग हमारी हम डिफाइन कर सकें, तो यहाँ पे होता है ऑटो लेआउट, आपको दोनों लेयर्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर ऑटो लेआउट का जो प्लस का बटन है आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते ही आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा लास्ट में, अलाइनमेंट एंड पैडिंग, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पैडिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। टॉप बॉटम से मैं करता हूँ 28, ये बॉटम से हो गई हमारी, ये हमारी लेफ्ट से हो गई है, इसको कर लेते हैं 55, और राइट से भी इसकी 55। तो देखिए अगर मैं एक साइड से ज़्यादा कर देता हूँ, देखिए पैडिंग ये देखिए साइड से ज़्यादा हो गई है, हमें सेम रखनी है, तो मैं 55 यहाँ से कर लेता हूँ, ओके। ये तो आपके खैर समझ आ चुका होगा, ये हमारा बटन बन गया है। अब हम इसे कंपोनेंट बनाएं, तो आपको ये देखिए जैसी मैंने इसको ऑटो लेआउट पे क्लिक किया था तो इसके आइकन ये हो गए, पहले इसका आइकन ये था शेप का आइकन, देखिए शेप का आइकन नॉर्मल रेक्टेंगल आता है, जैसी मैंने इसको यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके मैंने इसका ऑटो लेआउट पे यहाँ पे क्लिक किया था, तो इसका आइकन देखिए कैसा बन हो गया है, टू लाइंस आ गई है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आइकन आपको समझने पड़ेंगे कि आइकन एक्चुअल में होते क्या हैं। तो यहाँ पे ऑटो लेआउट का आइकन ये होता है, आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा कंपोनेंट, हम इसको कंपोनेंट में बनाते हैं, तो सिंपल आपको इस फ्रेम को सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है, देखिए क्रिएट कंपोनेंट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी शॉर्टकट होती है ओल्ट के, कंट्रोल ओल्ट के, आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए कंट्रोल ओल्ट के यहाँ पर ये देखिए, ठीक है ये देखिए कंट्रोल ओल्ट के, तो कंट्रोल ओल्ट के प्रेस करके आप कंपोनेंट बना सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करके कंपोनेंट बना देंगे। तो अब देखिए अभी आइकन क्या है इसका, टू है, यहाँ पर टू लाइंस टाइप है, ठीक है। और जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसका आइकन चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए कंपोनेंट का आइकन आ गया। कंपोनेंट के आइकन आप देख लीजिएगा अभी क्या होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है उसका आइकन होता है, फोर डायमंड्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो हम इसका नाम रख लेते हैं बटन प्राइमरी बटन, ठीक है, ये हमने इसका नाम रख लिया प्राइमरी बटन, हमारे कंपोनेंट का नेम हो गया प्राइमरी बटन हो चुका है। और देखिए कंपोनेंट का आइकन याद रख लेना, ये फिल हो रखे हैं, देखिए डायमंड फिल हो रखे हैं। अब मैं इसकी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल डी किया मैंने, इसकी एक कॉपी बन गई, देखिए जब इसकी कॉपी बनी तो इसका आइकन चेंज हो गया, मतलब एक डायमंड हो गया यहाँ पर फुल्ली, मतलब ये इसका, ये हमारा पेरेंट है, इसके इंस्टेंस बन गए हैं यहाँ पर, इंस्टेंस है इसका, ठीक है। ये मैं इसकी एक और कॉपी करता हूँ इसी की, ठीक है, एक और कॉपी करता हूँ मैं, ये फोर आगे देखो। अब आपको पहचानना कि मेन कंपोनेंट कौन सा है, तो मेन कंपोनेंट ये है देखिए, जो फिल हो रखे हैं फोर डायमंड्स, और ये बाकी इसके इंस्टेंस हैं, ठीक है। अगर जैसे आपको इस पर क्लिक किया, आपका इस बटन पे क्लिक किया, आपको देखना है कि इसका कंपोनेंट कौन सा है, तो आपको राइट क्लिक करना है इस पर सिंपल, और गो टू मेन कंपोनेंट, वो देखिए मेन कंपोनेंट के पास वो आपको ले आके छोड़ देगा। देखिए दोबारा करते हैं, इस पर क्लिक किया, गो टू मेन कंपोनेंट, अभी देखिए ये वाला सिलेक्ट है, मैंने किया गो टू मेन कंपोनेंट, वो देखिए फर्स्ट वाले पे जाके रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब होता क्या है, सपोज ये बटन थ्री पेजेस में यूज हो रखा है, एक ये हो रखा है होम पेज में, ये हो रखा है अबाउट में, ये हो रखा है कॉन्टैक्ट पेज में। तो सपोज मेरे को इसका कलर चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर चेंज करूँ और यहाँ पर भी चेंज हो जाए, मेन कंपोनेंट कौन सा है ये, तो हम इस पर कलर चेंज करेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए ये देखिए मैंने एक में चेंज किया है और सब में चेंजेस आ रहे हैं इससे, ठीक है, सब में चेंज हो गया। एक बार और करते हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो कितना अच्छा फीचर है, देखिए मैं खाली मेन कंपोनेंट में चेंज कर रहा हूं, बाकी इसके जो चाइल्ड हैं उनमें भी चेंजेस हो रहा है। अगर मैं इसका कलर भी अगर मैं चेंज करता हूं यहां से, ये देखिए कलर भी एक ही बार चेंज किया तो सारे पेजेस, जितने ही पेजेस में बटन लगे हुए चेंज हो जाएगा। अगर सपोज यहां पर मैं टेक्स्ट चेंज करता हूं, क्लिक मी, देखिए इसकी पैडिंग भी लेफ्ट राइट ऑटो अरेंज हो रही है, क्योंकि हमने ऑटो लेआउट का ऑप्शन हमने यहाँ से ऐड किया था, ठीक है। तो देखिए एक ही जस्ट यहाँ से चेंजेस से सारों में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इस बटन में चेंज ना हो, कि मैंने इसकी कॉपी बना ली, बट इस जैसे मैंने इसको ड्रैग करके होम पेज पे रख लिया, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ तो इसमें चेंज ना हो, सपोज मैंने ऐड किया बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, तो ये ऐड हो रहा है सब में, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मैं चाहता हूँ ये इस कंपोनेंट का पार्ट ना रहे, तो आपको राइट क्लिक करना है इस पे, यहाँ पर डिटैच इंस्टेंस करना है आपको, और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल ओल्ट भी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं कुछ भी इसमें चेंजेस करूँगा, इस वाले को छोड़ के सब में चेंज होगा, ये देखिए इसका आइकन भी चेंज हो चुका है यहाँ पर जब मैंने किया डिटैच, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने, अभी देखिए इसका आइकन क्या है, इसका आइकन यही है कि ये इंस्टांस है, मतलब कंपोनेंट की कॉपी है एक डायमंड। अब जैसे मैं आइकन देखना इसका गया यहाँ पर, और जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे डिटैच इंस्टांस, ये देखिए इसका आइकन ऑटो लेआउट में चेंज हो गया। अब मैं इसमें अगर कुछ चेंज करता हूँ फर्स्ट वाले में अपने, तो देखिए उस वाले में कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब वो उसका पार्ट नहीं रहा, ठीक है, हमने उसको उससे अलग ही कर दिया, कैटेगरी से अलग कर दिया उसकी, अब उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको इस कंपोनेंट से अगर आपने उसके इंस्टेंस बना रखे हैं, उसको आपको चेंजेस नहीं करने, तो उसको डिटैच कर दीजिए, मतलब उसका पार्ट नहीं रहेगा अगर आपको कहीं पेजेस में यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे सपोज मैं यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ क्लिक मेन कंपोनेंट में, अपने मेन हमारा कौन सा ये है, ठीक है। तो सब में चेंज हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने, हमें तो अगर बटन बना के रखना है, बटन के नाम से आप बना के रख लीजिए, अगर आपको जैसे होम पेज पे आपने यूज़ किया, आप ऊपर यूज़ कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं कुछ रीड मोर, तो देखिए
यहाँ पे रीड मोर आ जाएगा लिखा हुआ, मतलब ओरो में चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप चाइल्ड में चेंज कर रहे हैं तो ओरो में चेंज नहीं होगा इसका, ठीक है। सपोज इसमें इसको मैंने कर दिया लर्न मोर, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर बटन में आप चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपको इसका कलर भी चेंज करना है। अगर आप इसके चाइल्ड में कुछ चेंजेस करते हैं कलर वगैरह, जैसे मैंने इसका कलर ये कर लिया लाइट और इसका कर लिया ऑरेंज, तो इसमें भी ओरो में इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपका, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इनमें, ठीक है। आप फोन साइज कुछ भी चेंजेस पर्टिकुलरली एक बटन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर जैसे मेरे को बॉर्डर रेडियस ऐड करना है, तो मेन कंपोनेंट में मैं गया, यहाँ पर से किया मैंने 20 पिक्सल, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी अगर आपने इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आपको उसका बॉर्डर रेडियस डिफरेंट चाहिए तो आप वो भी यहाँ से चेंज जाके कर सकते हैं, जैसे मैंने 5 कर दिया। बट अगर मैं इसका बॉर्डर रेडियस चेंज करूँगा तो वो चीज़ें यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी नीचे, समझ गए। हर चीज़ यहाँ से जो भी मैं मेन कंपोनेंट में चेंज करूँगा सब चीज़ चेंज होंगी, बट आपने अगर इसको एक बार चेंज कर दिया तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। सपोज़ ठीक है, सपोज़ मैंने मेरे को यहाँ पर एक स्ट्रोक ऐड करनी है, बॉर्डर रेडिएशन करते हैं 5, देखिए 5 हो गया, 50 हो गया, क्योंकि इसका बॉर्डर रेडियस हमने चेंज कर दिया, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका कर देता हूँ स्ट्रोक ऐड करता हूँ, देखें ऐड होगी, इसमें ऐड होगी या नहीं होगी, इस टाइम स्ट्रोक पे गए, वो देखिए स्ट्रोक ऐड हो रही है इस टाइम, ठीक है। स्ट्रोक हम करते हैं इसकी 2 पिक्सल हम कर लेते हैं, ये 2 पिक्सल की स्ट्रोक ऐड हो गई है। बट अगर मैंने इसकी स्ट्रोक चेंज कर दी, स्ट्रोक का कलर मैंने चेंज कर दिया, सपोज ये रेड कर दिया इसका स्ट्रोक का कलर अगर मैंने, ठीक है, स्ट्रोक का कलर मैंने रेड कर दिया, अगर मैं इसकी स्ट्रोक अब मैं चेंज करता हूँ, ये देखिए ये इन्हीं दो में चेंज हो रही है और इसमें चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इसमें मैंने स्ट्रोक चेंज कर दिया। अगर मैं अब शेडो ऐड करता हूँ, देखिए शेडो भी तीनों में ऐड होगी। अब देखिए इफेक्ट जाता हूँ मैं, ड्रॉप शेडो, ये देखिए शेडो भी तीनों में ऐड हो रही है। बट अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दें, इनमें किसी में चेंज कर दिए, तो वो चीज़ उसकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इन सबको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। हम एक बटन दोबारा यहाँ पे बना के रख लेते हैं अपना, और इसको हम आगे यूज़ करेंगे। एक बार मैं समझा देता हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो कैसे आप करेंगे। अगर आपको एप्लीकेशन आपको बनानी है तो आप सबसे पहले आप बटन यहाँ पे एक बनाइए, ठीक है। दोबारा बना के दिखाता हूँ, कंपोनेंट टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ये बटन ये टेक्स्ट हो चुका है यहाँ पर, ये बटन का ये टेक्स्ट आ गया। हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इससे हॉरिजॉन्टली सेंटर आया बटन, और इससे वर्टिकली सेंटर आ गया, सेंटर हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप अगर इसका आप यहाँ पे क्लिक करके आपको इसके इसमें जाना है, यहाँ पे ऑटो लेआउट में, ऑटो लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, आपको पैडिंग ऐड करनी है अपनी, कितनी कितनी आपको रखनी है, 25 25 कर लेते हैं हम टॉप बॉटम से, यहाँ से लेफ्ट राइट से हम 50 50 कर लेते हैं इसकी पैडिंग, ठीक है। और इसका बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं हम 10, ठीक है। ये हमारा बन गया, इसको आप कर लीजिए प्राइमरी बटन, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको सिर्फ कंपोनेंट पे क्लिक करना है, आपका कंपोनेंट बन गया 4 उससे, ठीक है। अगर आपको इसकी एक और कॉपी करनी है, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी बटन, आपको और बटन बना के रखने हैं, ये हो गया हमारा सेकेंडरी, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी बटन हो गया, और सेकेंडरी बटन का हम कलर कुछ और रख लेते हैं, ये हमारा सेकेंडरी बटन हो गया, ओके। और इसका हम कलर कर लेते हैं वाइट, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी हो गया, और ये हमारा प्राइमरी हो गया। प्राइमरी बटन का भी कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया है, यहाँ पे हम बटन का नाम भी चेंज कर लेते हैं, जैसे ये हमारा हो गया प्राइमरी, ये हमारा हो गया सेकेंडरी बटन, ठीक है। पैडिंग की वजह से हाइट विथ इसकी मतलब पैडिंग लेफ्ट राइट से बढ़ रही है, उसी हिसाब से बटन का साइज़ बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी बटन, और ये हो गया हमारा प्राइमरी बटन। तो अगर हमें इसको भी फिर हम कंपोनेंट में अगर हम बना लेते हैं, सेकेंडरी बटन को भी हम कंपोनेंट ही बना लेते हैं, यहाँ से गए हम कंपोनेंट, क्योंकि हमारे ये भी मतलब अगर इसमें कुछ चेंज करूँगा इसमें भी चेंजेस होगा, मतलब नेस्टेड कंपोनेंट हो गया एक टाइप से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो यहाँ पे भी इफेक्ट होगा, बट ये सेकेंडरी हो गया यहाँ पे, तो हम इसको भी चेंजेस कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। मैंने इसको भी कंपोनेंट बना लिया, तो ये दोनों हमारे कंपोनेंट हो गए, देखो, ठीक है। और एक एक बना लेते हैं, एक बटन और बना लेते हैं हम,
डिफरेंट। डिफरेंट ने एक बटन हो गया है, ठीक है। और इसका भी कलर हम कुछ कर लेते हैं, अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़ जाए यूज़ करने की, अलग कलर ये हो गया देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 बटन्स यहाँ बना लिए हैं, और इसको भी क्या करना है हमें, इसकी कॉपी है तो इसको भी कंपोनेंट हम बना लेते हैं, ठीक है। अब सपोज़ मैंने तीनों को कंपोनेंट बना दिया, अगर मैं कुछ इसमें चेंज करता हूँ फर्स्ट वाले में, क्या सब में चेंज होगा देखते हैं। वो देखिए तो सब में चेंज हो रहा है, मतलब ये इसी के पार्ट हो गया। अब मैं इसका कुछ चाइल्ड बनाऊंगा तो वो भी इफेक्ट करेगा उसमें, ठीक है। तो मतलब इस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, नेस्टेड कंपोनेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। हमारे बटन बन गए हैं, हम अपने फ्रेम को छोटा कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारा बन गया कंपोनेंट बटन्स। तो अब हम इसको आगे क्या ही, हमारा बटन्स का कंपोनेंट बन गया, अब हम टेक्स्ट बॉक्स का कंपोनेंट बनाते हैं और फिर उसको यूज़ करके देखते हैं पेजेस बना के, 2-3 होम पेज अबाउट पेज, कि हम कैसे हम बटन्स को हम यूज़ इन कंपोनेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। वो जो भी देखिए आप, जो भी आप बटन्स यहाँ पर बनाते हैं वो एसेट में जाके यहाँ पर शो हो जाते हैं आपको, बस आपको क्या करना है ड्रैग ड्रॉप करना होता है फिर जिस पेज में आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब हम एक बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए कंपोनेंट, सॉरी, ठीक है। तो मैंने एक और फ्रेम लिया यहाँ पर, ये हो गया हमारा फ्रेम, हो गया फॉर्म्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टैग बॉक्स हम बनाते हैं यहाँ पर एक, ये हमारा टैग बॉक्स ये बना, और इसका कलर हम करते हैं वाइट, और इसमें कुछ स्ट्रोक ऐड करते हैं हम यहाँ पर, ये हमारी स्ट्रोक आ चुकी है यहाँ पर 1 पिक्सल की, ठीक है। ठीक है, और इसमें हम टेक्स्ट ऐड करते हैं प्लेस होल्डर, ये हमारा प्लेस होल्डर यहाँ पर आ गया है। इसको हम सेंटर कर लेते हैं, दोनों को हमने सेलेक्ट किया, इससे हमारा वर्टिकली सेंटर ही आ गया इसके। और इसका कलर कुछ हम लाइट कर लेते हैं, प्लेस होल्डर का कलर कलर कुछ लाइट होता है ना, तो हम इसको लाइट कर लेते हैं कलर इसका कुछ, या तो आप चाहे वो बॉर्डर, जो बॉर्डर का रेडर है वो, जो बॉर्डर का कलर है वही आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया, मेरे को ये ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, इसमें हम ऑटो लेआउट ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमें इसमें पैडिंग नहीं चाहिए लेफ्ट राइट से। तो सिंपल हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाने के बाद हमने इसको कंपोनेंट बना दिया, ये देखिए 4 वो आ गए यहाँ पे, 4 डायमंड्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हमारा बन गया, इसको देख लेते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और सपोज इसकी मैंने कॉपी करी, कंट्रोल डी प्रेस किया, इसकी कॉपी हुई एक, ये कर लेते हैं हम सक्सेस, सक्सेस मैसेज बॉक्स, ठीक है। और इसका क्या करते हैं हम, इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ग्रीन कर लेते हैं हम, इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं, यही कलर हम कॉपी कर लेते हैं, यही हम इसके बॉर्डर रेडियस में, इसके इसमें बॉर्डर में ऐड कर देते हैं कलर, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, इसके लिए हो गया, ठीक है। प्लेस होल्डर एक हमने बना लिया यहाँ पर, सपोज रेड के लिए बनाना है हमें, तो इसी की हमने कॉपी करी, ठीक है। और इसका हमने कर दिया इसको, इसका हम कर लेते हैं रेड कलर, इसको हम रेड कर लेते हैं, ठीक है। ये एरर मैसेज वाला है ना ये, तो इसको हम रेड कर लेते हैं यहाँ से, जो ये कलर है वही हम पिक कर लेते हैं, कॉपी किया इसका कलर, और यहाँ पे जाने के बाद हमने पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स बन गए। ये तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स जो हम यूज़ करते हैं वेबसाइट में, और कुछ सक्सेस मैसेज आता है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और एरर मैसेज के लिए इस टाइप का हो गया, ठीक है। तो इस फ्रेम को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो हमारा मेन फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है, इसको छोटा कर लिया। तो ठीक है, देखिए हमारे बटन का कंपोनेंट बन गया और फॉर्म का कंपोनेंट बन गया। तो चलिए हम देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम गए, हमने एक हमें पेज बनाना है, एक होम पेज सपोज, तो हम डेस्कटॉप के लिए लेते हैं ये वाली विड्थ, हम ले लेते हैं यहाँ से डेस्कटॉप के लिए ये, ठीक है। सपोज़ अब हम होम पेज बना रहे हैं, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग ऐड करते हैं यहाँ पर होम, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से फोन साइज़ हम करते हैं इसका 50 पिक्सल,
या हम कर लेते हैं 80 पिक्सल, ठीक है। ये हमारा आ गया होम। थोड़ा हम इसमें डमी टेक्स्ट हमें यहाँ से ऐड कर लेते हैं, इसका लॉरम टेक्स्ट हम ओपन करते हैं, लॉरम डमी टेक्स्ट जो होता है, हम कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको। यहाँ से मैंने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये टी से सेलेक्ट किया टेक्स्ट, और ये हमने पेस्ट कर दिया। और इसका फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं 18, ठीक है। ये हमारा 18 पिक्सल यहाँ से फॉन्ट आ चुका है। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको कैसा दिख रहा है। ये देखिए कंट्रोल प्लस से आप जूम और जूम कंट्रोल माइनस से जूम आउट वो कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसको हम 20 कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारा बन गया है होम पेज का थोड़ा सा पार्ट हो गया इसका, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर बटन यूज़ करना है, सपोज़ इसके थोड़ा हम साइज छोटा कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर एक बटन ऐड करना है, कंट्रोल ऐड करता हूँ मैं। तो हम कैसे ऐड करेंगे असेट में, आपको यहाँ पे सब चीज़ें दिख रही हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्म के अंदर फॉर्म्स आ जाएंगे आपके सारे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ बटन्स आ गए आपके, ठीक है। आपको हम एक चीज़ भूल गए हैं, हमने यहाँ पे आते हैं, इसको हमने कंपोनेंट नहीं बनाया, तो हम इनको कंपोनेंट ही बना लेते हैं, तभी वो शो होंगे वहाँ पर। इसको क्लिक किया, कंपोनेंट बना दिया, इसको भी क्लिक किया हमने, ये देखिए एक डायमंड है, तो यहाँ पे ये 3 डायमंड्स हो गए हैं, ठीक है। असेट में जाएंगे, अब देखिए अब हमारे पास सारी चीज़ें शो हो रही हैं यहाँ पे। बटन्स ओपन करेंगे बटन, और फॉर्म्स ओपन करेंगे फॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें बटन यूज़ करना है। सपोज़ हमें ये वाला बटन यूज़ करना है, सेकेंडरी बटन, हमने यहाँ पे ड्रैग किया, ठीक है, ये हमारा होम पेज हो गया, ठीक है। और अब हमें इंक्वायरी पेज भी बनाना है यहाँ पे, तो सपोज़ हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ड्रैग किया, ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया, इंक्वायरी पेज हम बना रहे हैं, यहीं से आप ड्रैग करते रहिए इसको। कंट्रोल जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर एरर मैसेज आपको दिखाना है तो एरर मैसेज आप दिखा सकते हैं फिग्मा में, और प्लेस होल्डर ये रेड वाला भी आप दिखा सकते हैं। अब सपोज़ क्लाइंट ने कहा मेरे को इसका कलर, मेरे को वो चाहिए, मेरे को कुछ थोड़ा डार्क में चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, मेरे को देखना है इसका कंपोनेंट कौन सा है। राइट क्लिक कीजिए, गो टू कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट, इसके मेन कंपोनेंट में आप आ गए, इसने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद आपको लेयर में आना है यहाँ पर, और ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, इसके आप यहाँ पे जाकर आपको इसका कलर ब्लैक कर देना है। एक सेकंड, इसकी ओपन कीजिए इसको आप, वीडियो छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप आए इसके देखिए रेक्टेंगल में, अब इसका आपको बॉर्डर यहाँ से ब्लैक कर देना है, ठीक है। ये आपने ब्लैक किया, यहाँ पर चेंजेस किए, देखिए यहाँ पर सारे खुद ही इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। तो आपने एक जगह चेंज किया तो पूरी एप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, तो इस टाइप से यहाँ पर आप बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक और बटन चाहिए, तो यहाँ से हम गए बटन्स में गए, यहाँ पर आपको चाहिए सपोज़ ये वाला बटन चाहिए डिफरेंट, तो यहाँ पर आप बटन ऐड कीजिए। सपोज़ मेरे को इसका भी कलर क्लाइंट ने कह दिया, मेरे को इसका कलर मेरे को डिफरेंट चाहिए, राइट क्लिक कीजिए, गो टू कंपोनेंट में आप जाइए यहाँ से, यहाँ पर जाने के बाद आपको कलर आप चेंज कर लीजिए। सपोज़ रेड कर दिया, तो आपने यहाँ पे चेंज किया, तो देखेंगे आप आपके पेज में भी चेंज हो जाएगा। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, तो आपको होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से मल्टीपल पेजेस यहाँ पर बना के देखिएगा, जैसे इसकी कॉपी है होम पेज की, अगर आप एक मल्टीपल पेजेस आप बना के देखिएगा, उसके साथ कुछ अच्छा करके देखिएगा, बना के देखिएगा, तो कंपोनेंट तो आपको समझ आ गया होगा। चलो हम एक और चीज़ बना के देखते हैं, इसमें हम लेयर्स में गए, असेट में तो आपको दिखाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट आपके हैं यहाँ पर, तो आपको अगर कंपोनेंट यूज़ करना है आपको असेट्स वाले इसमें आना पड़ेगा टैब में, अदरवाइज़ आपको लेयर में काम करना है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पेज हमने बनाया आप नाम भी इसका चेंज कर सकते हैं, होम कर सकते हैं, ये इसके बाहर चला गया तो इसको आप ट्रैक करके अंदर कर सकते हैं, कुछ बाहर चली गई तो, ठीक है। तो चलिए हम एक चैट के लिए कंपोनेंट बना के देखते हैं कि चैट के लिए कंपोनेंट हम किस टाइप से हमारा कंपोनेंट यूज़ करेगा, यूज़ होगा, ठीक है। तो एक फ्रेम मैंने लिया यहाँ पर डेस्कटॉप के लिए, लेते हैं हम यहाँ पर, ये आया और इसका नाम करते हैं हम रिनेम चैट, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। तो और इसका हमने बॉर्डर रेडियस यहाँ से ऐड कर लिया, इसका हमने कर लिया 12 पिक्सल बॉर्डर रेडियस, या हम कर लेते हैं 18, इन 18 इनफ रहेगा, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। ये एक रेक्टेंगल हमने बनाया यहाँ पर,
और इसके अंदर हम करते हैं वाइट कलर, हम इसका वाइट कलर लेते हैं हम इसके लिए, और इसकी क्या करते हैं कुछ हम इसकी शेडो यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो शेडो को हम थोड़ा हम चेंजेस कर लेते हैं, ऐसे आपने क्लिक करना है वाई से आपको 4 की, आपको थोड़ा इसको फैला लेते हैं, ये देखिए शेडो इस टाइप से यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं थोड़ा चैट इसका साइज़ का थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं साइज़ को, और यहाँ पर क्या किया मैंने, आप ये एक रेक्टेंगल आ गया है, आप चाहो तो इनका रीनेम भी कर सकते हो, चैट बीजी आपको याद रखना हो तो इनके नेम आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या किया मैंने, एक सर्किल बनाया, ठीक है, और इसको आपको इसके सेंटर करना है वर्टिकली, तो दोनों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर टॉप पे चाहिए टॉप पे आ जाएगा, सेंटर चाहिए सेंटर आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर हम इमेज ऐड करते हैं, राइट क्लिक किया मैंने, मेरे पास प्लगइन इंस्टॉल मैंने किया हुआ है अनस्प्लैश, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि प्लगइन हम कैसे यूज़ करेंगे, और आने वाली वीडियो में मैं 20 प्लगइन्स आपको बेस्ट प्लगइन बताने वाला हूँ कि बेस्ट प्लगइन्स कौन कौन से होते हैं। अनस्प्लैश पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ये इमेज यहाँ से आ गई है, ऑटोमेटिक इमेज हमें मिल जाती है इंटरनेट से, हमें सर्च करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, और यहाँ पर मैं नेम ऐड करता हूँ हनीकोट, ठीक है। और जैसे अब मेरे को इसकी डेजिग्नेशन यहाँ पे कुछ ऐड करनी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी मैंने किया इसको, वन सेकेंड, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे हम डेजिग्नेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ हमें ऐड करनी है, इस पर क्लिक किया, यू आई डेवलपर, ठीक है। और इसका कलर हम कुछ लाइट कर लेते हैं यहाँ से, कुछ इसका कलर लाइट हुआ, और इसका कुछ हम फ़ॉन्ट साइज़ भी, हम इसका कुछ फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका हम कम कर लेते हैं यहाँ से, इसको कर लेते हैं 14 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। और तो हम अब हमें क्या किया, हमने ये कंपोनेंट इसकी थोड़ा साइज़ हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये देखिए। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं, इन सबको चारों को, ठीक है। ये तो हमारा चैट बिजी हो गया, ये चैट बिजी है, ये इमेज है हमारी, ये हनी कोड है, और यू आई डेवलपर हो गया, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, एक कंपोनेंट हमें क्या करना है, कंपोनेंट हमने इसका कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। और अब हमने क्या किया, इसकी कॉपी हमने करी कंट्रोल डी से, तो ठीक है, इसकी 5 कॉपीज़ यहाँ पर आ गई इसकी, ठीक है, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, 5 कॉपीज़ आ गई इसकी, ठीक है। और सब में हम इमेज चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, अनस्प्लैश में गए हम, प्लगइन अनस्प्लैश, ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पे इमेजेस भी, प्लगइन बहुत अच्छा फीचर है इसका, आप वीडियो लास्ट वीडियो देखिएगा आपको पूरा समझ आ जाएगा। और अनस्प्लैश में गए हम, यहाँ से हम सारी इमेजेस हम डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से सारी इमेज हमारी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, और हमारा कितना अच्छा ही कार्ड हमारा लग रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा कार्ड बन गया। अब सपोज अगर मेरे को एक चेंजेस करना पड़ेगा, अब इसका इस पर देखते हैं मेन कंपोनेंट कौन सा है, मेन कंपोनेंट, गो टू मेन कंपोनेंट, इस पर हम आ गए। अब हमें यहाँ पे एक ऑनलाइन बटन ऐड करना है, कि मैं यहाँ पर एक ऑनलाइन बटन यहाँ पर ऐड करूँ तो वो सब में ऐड हो जाए मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ऑनलाइन बटन ऐड करते हैं अपना, ये हमारा कंपोनेंट है मेन, और इसी में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक सर्किल लेते हैं हम। देखिए मैंने एक अपने फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड किया, आपको कंपोनेंट के अंदर जाके ऐड करना पड़ेगा, तो सब में बटन आ गया ये ऑनलाइन का। और इसका हम कलर चेंज करते हैं यहाँ से, वो देखिए सब में ऑनलाइन बटन एक ही बार में ऐड हो गया, मतलब हमें हर एक टाइल में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो होता क्या, अलाइनमेंट गड़बड़ होता, ऊपर नीचे होता, हम रूलर लगा कर सेट करते, तो हमें एक ही कंपोनेंट में चेंज किया और सारों में चेंजेस वो हो गया। अगर आपको इसके कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको ऑफलाइन शो करना है आप ऑफलाइन शो कर सकते हैं इसको, अगर आपको इस वाले को आपको बिजी शो करना है तो आप बिजी कर सकते हैं इसको शो, कि कॉल पर है ये, ठीक है। तो इस टाइप से आप मतलब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं।
तो इस टाइप से आप यहाँ पे ऑनलाइन बटन्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे को अब यहाँ पर कुछ टाइम ऐड करना पड़ जाएगा यहाँ पर कि कितने बजे मैं लास्ट सीन था मेरा, तो मैं जस्ट इसकी कॉपी करता हूँ एक। तो इस टाइप से यहाँ पे देखिए सब में ऐड हो गया है लास्ट सीन यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक में चेंज करेंगे अगर यहाँ पर सपोज, तो ये सब में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा फीचर है, मैं खाली कंपोनेंट में चेंजेस कर रहा हूँ और वो सब में ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बटन के कंपोनेंट कैसे बनाएंगे आज की वीडियो में, और फॉर्म्स हम कैसे बना सकते हैं, और हम कैसे कंपोनेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक आपको चैट का ऑप्शन बना के दिखाया, मतलब अगर आपको चेंज करना है तो आप खाली कंपोनेंट में चेंजेस कीजिए, वो सारी फाइल्स में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर बहुत ही अच्छा है। तो कंपोनेंट को आप डिटेल में आप समझना, सिंपल कंपोनेंट बना के देखना और फिर उसकी नेस्टिंग करके आप देखिएगा तो कैसा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी समझ आ पाएगा आपको ये, ठीक है, कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है कंपोनेंट, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, ठीक है। तो तब के लिए बाय, टेक केयर।